हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ मेरा दुबई मिरेकल गार्डन का। यहाँ पर आपको मैं ले जाने वाली हूँ फूलों की दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ फूलों की बनी हुई है और देखोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। टिकट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी थी। बड़े लोगों की टिकट इंडियन रुपीज़ में 1100 रुपये के अप्रॉक्स की है और बच्चों की 800 रुपये के अप्रॉक्स, मतलब हमारा 3800 के अप्रॉक्स का खर्चा हुआ था इसमें जाने का। और टाइम की अगर मैं बात करूँ, 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा घूम लोगे, तो थोड़ा सा महंगा आपको लग सकता है, जैसे कि मुझे भी लगा था, बट देखने में बहुत सुंदर है। हर चीज आपको फूलों की बनी हुई मिलेगी यहाँ पर, देखिए आप और मजे लीजिए। चाहे ये ब्यूटीफुल सी बोट हो, चाहे आगे कार्टून कैरेक्टर्स हो, या फिर पूरा जो होता है ना महल बना हुआ, या फिर बहुत ही प्यारी प्यारी सी डॉल्स हो, बहुत कुछ बना हुआ है यहाँ पे और देखने लायक जगह थी। तो अगर आप दुबई जाएंगे तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। थोड़ा सा कॉस्टली है बट मज़ा बहुत आता है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ था, जिसे ऊपर से जो छत होती है ना उसे अम्ब्रेला की मदद से कवर किया हुआ था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये एक बड़ा सा टर्टल बना हुआ है जिसके अंदर की तरफ से हम लोग गए थे, और सिटिंग एरिया बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर की यहाँ पे अम्ब्रेला यूज़ करी गई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक एरोप्लेन, एक बोट और ये बहुत ही सुंदर सा कैसल। अगर मैं आपको बोलूँ ये पूरा फूलों से बना हुआ है तो आप क्या बोलोगे? बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, चाहे डांसिंग डॉल्स हो या फिर वो पीछे बना हुआ हॉर्स हो, सारी चीज़ें फूलों की बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लग रही है। पीछे आप ये एरोप्लेन देख सकते हैं, ये भी फ्लावर से बना हुआ है, एमिरेट्स इसके ऊपर लिखा हुआ है। दूर से देखने में आप बोलोगे ही नहीं कि ये सब चीज़ें फूलों की बनी हुई हैं, बट जैसे जैसे आप पास जाते हो ना, ये बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है। चाहे ये बड़ा सा टेडी बियर हो, या मिकी माउस हो, या मिनी माउस हो, या फिर ये ब्यूटीफुल सी डॉल्स हो, हर चीज़ एक दूसरे को टक्कर दे रही है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। और ये प्यारा सा एलिफेंट और एक कैट की तो बात ही क्या है। अगर आपको बताऊं मैं यहाँ पे इतने फूलों का राज, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी पाइपलाइन बिछी होती है जिसमें हर टाइम पानी आता रहता है, क्योंकि दुबई में बहुत गर्मी होती है और गर्मी के मौसम में इतने ज़बरदस्त फूल खिलाना ही अपने में एक कला है। तो ये पाइपलाइन यहाँ पे जो बिछी हुई है ना, ये सबसे अच्छा काम करती है। तो हमने घूमा था ये दुबई में मिरेकल गार्डन, आपको बहुत पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दुबई जाते हैं तो ज़रूर घूमिएगा। ये रहा बहुत ही प्यारा सा टेडी बेयर, इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये 4-5 फ्लोर के जो घर होते हैं ना उसके बराबर का था। तो ये आप देख सकते हो, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। 1 से 1.5 घंटा आपका कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे देखने के बाद हम लोग चले गए थे हमारे होटल वापस। दुबई का एक और ब्लॉग आएगा जिसमें मैं आपको घुमाऊँगी बॉलीवुड पार्क, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।